एक मिनट एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक मिनट। मुझे लगता है कि ये कुणाल और पूजा के बहुत सारे दोस्त हैं, कई सारे दोस्त हैं, कई सारे बंगाली दोस्त भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर भगवान की कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आ पाऊँ। सच बता रहा हूँ, जब उसने मुझे कहा कि दुर्गा महोत्सव मैं कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तू मुझे टाइम और डेट बता, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं छोड़ के आ जाऊँगा। मैं पर्सनली बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं बहुत मानता हूँ ऊपर वाले के फोर्स में। वो किसी के लिए गणपति होते हैं, किसी के लिए यू नो किसी के लिए दुर्गा माँ होती है, किसी के लिए लक्ष्मी माँ होती है, किसी के मतलब हर की तरीके के यू नो हिंदू धर्म में कई सारे देवता और देवती देवी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि असलम भाई ने भी कहा कि वी आर अ कंट्री विच इज़ यू नो देर आर सो मैनी रिलीजन्स एंड कल्चरली हम लोग बहुत डाइवर्स हैं। तो हमें हमेशा यही चीज़ जो है हमें इकट्ठा लाती है, और वो जो एकता जो एक देश में बनी रहनी चाहिए वो बनी रहती है जब हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, इतने मतलब जब मैं यहाँ आया नहीं था, इन द सेंस जब मैं ऑन द वे था, तो मुझे लगा कि किया होगा, बट दिस इज़ लार्जर देन लाइफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन माई बेस्ट विशेज़। और विशेज़ क्या दूँ इन टर्म्स ऑफ, ये जो चीज़ है एक्चुअली एक तरीके से पर्सनल से ज़्यादा लोगों के लिए, कि वो चाहती थी कि पूजा चाहती है कि यू नो लोग यहाँ पर आए, और जो दर्शन वो हमेशा शायद टीवी पर देखते थे या इंस्टाग्राम पे देखते थे या सोशल मीडिया पे देखते थे, आज वो खुद आके उसे एक्सपीरियंस करे, वो पूजा को एक्सपीरियंस करे, उस आरती को एक्सपीरियंस करे। और मुझे लगता है कि दुर्गा माँ की जो भक्ति है जो करता है वो बहुत उसे बहुत पावरफुल माना जाता है हमारे देश में। तो आई थिंक मुंबई कर जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मराठी तुम्ही प्लीज़ इकड़े या, मी अर्धा महाराष्ट्रनच आहे, तर तुम्ही प्लीज इकडे या आणि या दर्शन घ्या। मस्तपैकी आपलं जसं गणपती आपण कसं साजरा करतो तसे या लोकांनी एकदम चांगलं मंडप बनवलं आहे। मूर्ती तुम्ही बघितली किती छान आहे, सुंदर आहे, आणि वो वाली मूर्ती नाही आहे, ह्युमन फॉर्म वाली मूर्ती आहे, बहुत ही हां थीम मूर्ती आहे। और आपलं मुंबईचं काष्टा जो आहे त्या देवी मानी घातलं आहे, तर ह्याचे दर्शन घ्यायला तुम्ही प्लीज प्लीज जरूर या। जो लोग आ पाए धन्यवाद, जो लोग नहीं आए वो आपको दिख ही जाएगा। आई थिंक सोशल मीडिया अब इतना बड़ा है, मीडिया इतनी बड़ी है कि उसके ज़रिए आपको दर्शन तो ज़रूर मिल जाएंगे। और प्रे करना, जो आपकी इच्छा होगा माता रानी ज़रूर पूरा करेगी। आई आंसर वन स्मॉल बिट फॉर कुणाल, आई थिंक ही गॉट इमोशनल बिकॉज यू नो एक साल किसी भी चीज़ के लिए देना वो बड़ा मुश्किल होता है, और एक साल देवी माँ के लिए खास निकालना, अपनी सारी पर्सनल कमिटमेंट्स को हटाना, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू डू दैट। और सच में अगर ये हुआ है तो उन्हीं के आशीर्वाद के वजह से हुआ है। सो गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू। या सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ अभी मैं इमोशनली हूँगा, बट या आई बी अब मुझे सारे मैंने अपने इमोशंस कह दिए हैं, और अब मैं यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब आइए। जैसे अर्जुन ने बोला कि मुंबई कर वालों के लिए भी ये इनविटेशन है, सिर्फ बंगालीज के लिए नहीं है। सो यू गाइज ऑल कम बी अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे हम कलकत्ता का खाना भी आपको सर्व करेंगे। कलकत्ता की माँ तो आ ही गई यहाँ पे मुंबई की चीरानी के भेस में, और किड जोन भी है बच्चों के लिए भी है, ताकि यू नो बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है पेरेंट्स को, सो इसलिए वो भी हमने रखा हुआ है। और खाना पीना हमने कलकत्ता से मंगाया है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, और बहुत सारे अमेजिंग परफॉर्मेंस होने वाले हैं। अर्जुन का बैग गया वरना वो भी परफॉर्म करने वाला था, सो हम दोनों परफॉर्म करेंगे, और बहुत सारी अभी सारी चीज़ें मैं अभी बोल दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ आइए, दिल से हम आपको इन्वाइट करते हैं, प्लीज़ आना। और दिल से बोल रहा हूँ जय माता दी, जय माँ दुर्गा। मैं उस दिन रोई थी जिस दिन माँ यहाँ आई थी, मैं एकदम फूट फूट के रोई, मैं बहुत रोई उस दिन। तो मैं इसलिए अभी थोड़ा सा संभल गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत रो लिया है, क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था जब तक वो आई नहीं कि ये होने वाला है, सच में होगा। मुझे सच में ये
यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी बाधाएं आई हैं कि मैं क्या बताऊं, मतलब हर मोड़ पे मुझे रुकावट। अच्छा काम कर रहे थे हम, पर हर किसी ने रोका, हर किसी ने कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट वो जो ओवरकम करके हमने इनको ला पाए हैं, इसलिए मैं इमोशनल ज़्यादा हो गई थी कि कुछ भी, मतलब वो बोलते ना कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जब माता रानी जाती है, तो वो हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आई है। मेरा सपना था और मैंने जैसे कहा हमारी पूरी टीम में सबको, मैं किसी को भूल नहीं सकती क्योंकि सबका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबने दिन रात एक करके मेहनत करके इस चीज़ को, इस सपने को सच किया मेरा। तो बस मैं यही चाहती थी कि मैं एक्चुअली, क्योंकि कुणाल इज़ नॉट अ बंगाली, मैं जब उसे कोलकाता ले गई दुर्गा पूजा, उसने देखा वहाँ पंडालें देखी, तो उसके रिएक्शन ने मुझे ये इंस्पिरेशन दिया कि क्यों ना मैं, ये एक इंसान है मुंबई से आया है, इसको इतना वाव लग रहा है ये सब चीज़ें, हमारे लिए तो कॉमन है, खैर मतलब कॉमन नहीं है वो, मतलब हम फिर भी हमें पता है कैसा होता है बचपन से, अगर आप किसी चीज़ में देख रहे हो तो आपको, और ऐसी चीज़ें बनाते हैं वहाँ, तो बुर्ज खलीफा बना देते हैं वहाँ पे, आप ट्विन टावर बना देते हैं, डिज्नीलैंड बनाया था, तो आप सोच ही नहीं सकते वो लेवल का जो वहाँ पे पंडाल बनता है। इट्स नॉट लाइक अ पंडाल, इट्स लाइक अ फिल्म सेट बेसिकली। तो ये मैंने महल बनाया है पहली बार, और मैंने इसलिए अभी इनको मैंने मुंबई की रानी बनाया ताकि मुंबईकर्स को भी लगे वो जुड़े हुए इस चीज़ से, वो भी आएँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बंगालीज के लिए नहीं है। मैं चाहती हूँ पूरा मुंबई आए, दर्शन करे, देखे, पंडाल देखे, माता जी का आशीर्वाद ले, और सब तरह की एंटरटेनमेंट, सब तरह की व्यवस्था हमने रखी है कि आप आते हैं परिवार को लेके यहाँ तो आपको एक शाम यहाँ बितानी है, आप आइए आराम से खाना पीना खाइए, घूमिए, आपके बच्चे यहाँ किड जोन में एंजॉय कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई में, बट ठीक है। सो या इन शॉर्ट मैं वापस से सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, स्पेशली अतुल जी को, अर्जुन को और असलम जी को कि यहाँ आए हैं, बाकी माता जी की इच्छा थी इसलिए मेरा ये सपना पूरा हुआ, एंड थैंक यू सो मच। अब मैं चाहती हूँ कि पारस भी कुछ बोले, बिकॉज पारस अपना शूट छोड़ के आया है आज वापस से। सेड दैट इन्होंने कितनी चीज़ें फेस करी बट अपना सपना पूरा किया, और माँ को यहाँ बॉम्बे में स्पेशली बाय रोड से लेके आई हैं, जो कि एक मिनी कोलकाता का फील दिया है। जो लोगों ने फील नहीं किया आज तक कि कोलकाता में कैसी दुर्गा पूजा होती है, तो मेरे हिसाब से पूजा और कुणाल ने ये ड्रीम जो है लोगों को दिया है कि आप अपना सपना अब यहाँ पर देख सकते हो। छोटा सा सपना है, छोटा सपना है, बट हम चाहें कि और बड़ा हो, बड़ा हो, लोगों को बहुत पसंद आए, मीडिया को पसंद आए, सब लोग आके एंजॉय करें अपने फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। थैंक यू असलम जी, थैंक यू अतुल जी, हमारी पूरी टीम है, हमारे विकास जी हैं, अपने स्पॉन्सर्स हैं, उन सबको थैंक यू देना चाहूँगा मैं, और स्पेशली थैंक यू कुणाल और पूजा को, जो इनकी मेहनत के बिना हम लोग अधूरे थे, तो हम सब लोग आज इस मंच पर आके सब जुड़े हैं, तो एक माँ का आशीर्वाद है। तो मैं ये कहूँगा जय माँ दुर्गा, आप लोग सब आएँ, एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ आए, जय माता दी। सुंदर, अति सुंदर। मैं जब से मैंने माँ के दर्शन किए हैं तब से लेकर इस वक्त तक मैं अंदर से बहुत भावुक, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा भावुक, क्योंकि मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो हमारा भी ये कल्चर नवरात्रि का पांडाल, दुर्गा माँ का पांडाल, और आज मैं जहाँ हूँ, अगर एक्टर हूँ तो शायद इन्हीं की बदौलत, उस पांडाल की बदौलत, पांडाल बदलते गए कि माँ एक ही रही, जिनका मुझे शायद आशीर्वाद और कृपा मिली है, तो सच में मैं इन्हीं की बदौलत हूँ। और जो कलकत्ता वाला ख्वाब था मेरा कि वहाँ के इस दौरान मैं वहाँ जाऊँ, वो मैंने इन दोनों बच्चों ने यही पूरा कर दिया, मुझे आनंद आ गया। बस मेरी एक दुआ है कि इन दोनों का ये सपना हर वर्ष इससे बढ़ चढ़ के पूरा हो, और ये तो शुरुआत है, पहला साल है, इतनी कठिनाइयाँ, ये खुद बताया, मुझे भी अंदाज़ा तो है ही है कि आसान नहीं था। लेकिन और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो रिचुअल, जिस रिचुअल से, जिस विधि विधान से इन लोगों की कलकत्ता में आरती होती है ना, वो मैंने बचपन से ज्वाइन किया है, उसको महसूस किया है, वो वाइब्रेशन को मैं चाहूँगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग उस वक्त ज़रूर आए, एक बार तो उस आरती का आनंद उठाएं, और आरती में सम्मिलित हो जाए, आनंद आएगा या क्या भाव आएगा वो आप महसूस करें, वो महसूस करने की चीज़ है। आप लोग आइए, और
कृपा सब पे होगी। जय हो, माँ दुर्गा की जय।